ये है जी मोहम्मद आबिद हुसैन भाई। और आबिद भाई क्या क्या लेकर आए हैं आज? बकरी लेकर आए हैं। और कौन सी मंडी है? मदरसा मंडी। मदरसा मंडी, चले देखते हैं। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, तो करें और उसके बाद देखें पूरी वीडियो। पहले अनलोडिंग देखें और फिर इनकी प्राइसेस वगैरह। तो ये क्या है बच्चा? ये मादी है। मादी है, इसके साथ है? हाँ जी, इसके साथ। चले देखें प्राइसेस वगैरह। नहीं जी, माल उतर रहा है, पट्टे उतर रही हैं, ये उतरी है एक। ओ ओ ओ, अभी इसी तैयारी हो रही है मंडी में। कोई अपनी टेबल लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। एक और ट्रक आया, उसकी अनलोडिंग हो रही है। इस तरह तो भी टांग भी टूट सकती है, इतनी ऊंचे से बकरी को ऐसे उतार रहे हैं। इनको पता होता है कौन सी गब्बन है, कौन सी क्या है, तो फिर उस हिसाब से वो अलग अलग ले जाके खड़ी करे जा रहे हैं। तो जो गबन बेचेगा वो गबन बेचेगा, जो फर्स्ट टाइमर होगी वो सिर्फ फर्स्ट टाइमर बेचेगा। ये हिसाब किताब है। ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये बड़ा जानवर जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जानवर वहाँ पे है, उधर भी जाते हैं अभी, और वहाँ की वीडियो देखने के लिए ज़ाहिर है आप लोग इसको ये देखें। अब कितने दिन हो गए होंगे इसको, इसका दूध नहीं धोया हुआ। खान साहब सौदा कर रहे हैं। पूरे रात की है ये। मामा खोल की बकरी सुबह लाली जबरदस्त यार, टांग बढ़ के कैच किया। क्या नाम है तेरा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कैसे हो, पहली दफा आए हो या आते रहते हो? आते रहते हो, सही है। कितनी बकरियां बेच लेते हो दिन की? हैं? जोर से बोलो ना। दो चार बेच लेते हो? अच्छा, सही, जबरदस्त। चलो देखता हूँ सारा दिन में आज क्या होता है। इसका दूध तक निकल रहा था क्योंकि चोई भी नहीं है। ओए होए, अभी एक ट्रक और आया तो देखें यहाँ पे एक और रौनक सी लग गई है। ये वाली बकरी बहुत जबरदस्त है, गब्बन है, बच्चा देने वाली है, यानी कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं।
हैं कि जी गब्बन क्या होता है, फिर उसके बाद मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी आंडल क्या होता है। वो ये सारी चीज़ों की जो है वो वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगा एक, और अलग से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा, तो उसके ऊपर नज़र रखिएगा चैनल के ऊपर। और अगर आप लोगों को अभी तक चैनल की वीडियोज़ जो हैं वो पर डे नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल नोटिफिकेशन के बटन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को वो मिल जाए। तो ये है जी इनकी अनलोडिंग। अनलोडिंग देख लें, एक प्रोसेस है पूरा, हर एक बकरी जो जिस हिसाब से है। अच्छा, किसी हिसाब से लेकर जा रहे हो कि ये गब्बन है ये आप बेचोगे या कोई नहीं है ऐसा हिसाब? आप ही बेचेंगे जो छड़ी है? नहीं नहीं, मतलब ये छड़ी है, दूध वाली है, दूध वाली है जी बकरी, दूध वाली, ये सब दूध वाली है। नहीं वो तो ठीक है, दूध वाली है, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा हिसाब भी है कि वो गब्बन उधर जा रही है? नहीं नहीं, गब्बन नहीं, ये सब, ये देखो ना, ये बच्चे वाली है, वो अलग नहीं है, बच्चे है इसके साथ। वो मैं कह रहा हूँ क्या अलग नहीं खड़े कर रहे? करने करने। अच्छा बच्चे भी है, इसको डर लग रहा जी। भाई कितने चलाऊंगे? अभी बताता हूँ, आप फ्री हो जाओ फिर बात करते हैं। आप फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, मैं भी सारी देखता हूँ, सारी पूछता हूँ। माशाल्लाह जी जबरदस्त। ये दोनों इधर आओ, इधर चल जाओ, वो एक और पे आओ, वो दूसरी दाव ले आओ। ये कितने कितने दिन के हैं? ये बुध वाले दिन सुई है। अच्छा अच्छा, बुध वाले दिन दोनों नार है, दोनों नार है, दोनों नार बाजार देखो। आपने क्या मांगा? 35,000। और उसने कुछ भी नहीं लगाया? नहीं, वो कहता है बहुत ज्यादा मुझे, तुमने नारा नहीं किया। नर का ज्यादा रेट होता है या मादी का? नर का मांग। और अगर नर मादी दोनों हो तो क्या होता है? फिर कम हो जाता है थोड़ा। अच्छा, ये मादी इसके साथ। ये क्या नस्ल की बकरी है? देसी है, बीतल। बीतल है? नहीं जी, लोडिंग देखते हैं एंड हो गई है कि नहीं हुई है। हो गई जी एंड। वो ऊपर की बिठाई हुई है? अच्छा, लाड़िया ने थले चरपाई में उड़ाई हुई है। वो चरपाई तो रखी थे ना भागे फिर। अच्छा, ज्यादा माल हो चरपाई। जबरदस्त, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए जी बाबलनगर से। बाबलनगर से आए हैं, जबरदस्त। चलें, ये है जी बच्चा इसके साथ, और ये कह रहे हैं कि ये बीटल है। और करो आप सौदे में, मैंने आपको कुछ नहीं बोलना। ये जी क्योंकि अच्छा, ये क्या, कितने दांत हो गई है? पूरी हो गई है? आठ दांत वाली पूरी हो गई है ना? पूरी हो गई। और इसका ये बच्चा पहला है? हाँ जी, एक ही है। मतलब अभी ये पहला सुआ तो नहीं हो सकता ना इसका? नहीं, नहीं, दूसरा सुआ, दूसरा तीसरा। तो और ये दूध कितना कर लेती है? दूध है दो ढाई, दो ढाई किलो दिन का? दिन का। जबरदस्त, तो क्या मांगते हो इसका? इसका मांगते तो 40,000। 40,000, और देंगे कितने में? 30 के ऊपर ऊपर देते। 30 के ऊपर ऊपर, ठीक हो गया। तो और कौन कौन सी है? और भी दिखाओ जरा। ये हमारे पास बकरी हमारा है, ठीक है। ये गब्बन है? नहीं, ये दूध वाला है, अकेला बकरी है। अकेली बकरी है, मतलब पहले सुई भी एक दफा, ये एक दो दफा सुई भी है, ये दूध दे रही है। तो दूध कितना दे रही है ये? दूध अभी तो इसके बहुत नीचे कम है, एक किलो बहुत मुश्किल से है। अच्छा, एक किलो भी बहुत मुश्किल से है? हाँ जी, हाँ जी। कमजोर है ये? हाँ जी कमजोर है, क्योंकि क्या मांगते हैं इसका? इसका 25। 25,000, और देनी कितने की है? 20 बाईस के दे। 20 बाईस के दे दोगे, ठीक है।
और ये वाली ये सबसे सबसे जी सबसे अच्छी बकरी है। इसका कलर तो हमारा है, बच्चे बहुत अच्छा है। कलर हमारा है लेकिन बच्चे अच्छे हैं। बच्चे बहुत अच्छा। तो मुझे ये बताओ कि ये कितने दांत हो चुकी है? ये भी 8 दांत। 8 दांत हो गई है। अच्छा एक बात वैसे मैं अपने इलम के लिए पूछ रहा हूँ, जब 8 दांत बकरी हो जाती है तो बच्चे जो है वो बकरी का जिस्म या कोई चीज नहीं लेते ना? नहीं, वो सिर्फ नर का पकड़ेंगे। अगर नर जवान होगा, नर जवान होगा तो नर के होंगे। ठीक है, ये कुछ दिनों पहले पता लगा था मुझे, तो मैंने कहा मैं अपने लोगों के साथ शेयर कर लूं। तो क्या है, दोनों नर है? हाँ जी दोनों नर है। क्या मांगते हो पूरे तीनों का? तीनों का 35। सबसे ज्यादा आवाज इसकी है, इसकी आवाज है जी, बहुत आवाज है। 35 मांग रहे हो, कितने के दे दोगे? ये हमारा तो अच्छा लगे 26-27 जो गाहक लग गया तो 30 का भी। हाँ वो तो गाहक लगने पे है क्योंकि माल अच्छा है। तो ये सारी मक्खी चीना कहाँ की हैं? ये सब हमारे इलाके की है, भागलनगर की। ठीक है। नहीं जी, इन भाई का नंबर नीचे चल रहा है, मुझे नाम भूल गया भैया। मोहम्मद आबिद भाई। आबिद भाई का नंबर नीचे चल रहा है और आबिद भाई से कोई भी मक्खी चीना वगैरह। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ मदरसा मंडी के, यहाँ पे नस्लदार जो है ना वो चीजें मिलती है। तो आबिद भाई के पास माशाल्लाह महंगाई वाले लोग ये दुनिया भर का असूल है, चाहे सब्जी लेने जाओ चाहे कुछ भी लेने जाओ। खान साहब सुनो तो सही, सुनो तो सही। तुम्हारा दिल करेगा तुम सस्ता लेके जाओ, उनका दिल करेगा तुम महंगा लेके जाओ। ये तो दुनिया का असूल है मंडी में, ये महंगा लोग। अच्छा इसका क्या मांग रहे हो? ये मादी है। अच्छा ये मादी है, इसका मांग क्या रहे हो? इसका मांगते हैं 8.5 हजार। और ये कितने, 3 महीने की है? नहीं नहीं 2 महीने। 2 महीने का, ठीक है जबरदस्त। तो आबिद भाई के नीचे नंबर चल रहा होगा, आबिद भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग नंबर पे, अगर आप लोगों ने पट्टे लेनी हो। अच्छा आबिद भाई ईद पर क्या करते हो, ईद पर बकरे वगैरह लाते हो या नहीं? बकरे वगैरह। और कौन से वाले? अच्छे वाला, बहुत बहुत बड़ा बड़ा मक्खी चीना। हाँ मक्खी चीना। और राजनपुरी नगरा वगैरह, राजनपुरी। और कौन कौन सा लाते हो वो बता दो ना। देसी बकरा लगाते हो जो खट्टा चीना मक्खी चीना होता है। हाँ। खट्टा चीना होता है बीतल नस्ल वाला। ठीक है। और राजनपुर से लगाते हैं गोने बकरे जो सफेद रंग के होते हैं। ठीक हो गया। तो वो भी लेने के लिए आप ईद के ऊपर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मदरसा मंडी के अलावा कौन कौन सी मंडी करते हो? सब मंडी करता है, फोटाबाज, शबाज वाला, सही बात है। ठीक है। अमन को शर्किया। और लाहौर आने का क्या सीन है? लाहौर आम नहीं कभी। लाहौर भी आओ, लाहौर आओ, इधर ही हमारा लाहौर है। सगिया आओ, लाहौर आओ, पता लगे कुछ। नहीं जी इसका ये फोटो वगैरह ले रहे हैं। और चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बस मैं अभी अभी ले रहा हूँ। नहीं जी ये भाई तस्वीर उतार रहे हैं इनकी और दिखाना चाह रहे हैं कहीं पे, तो इसलिए तस्वीर वगैरह ले रहे हैं। हुई 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 हुई, उसने तो पैर मारना शुरू कर दिया। चलें जी, ये है जी आबिद भाई के सारे, और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं लेने के लिए। सबसे अच्छे मुझे ये वाले 2 लगे हैं पीस, और ये बच्चे जो हैं तो ये इनको ये भी गानी वगैरह डाल रहे हैं, जबरदस्त। चलें आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी मेरा ख्याल है 10 मिनट से ऊपर ही चली गई है, लोडिंग इसमें ज़्यादा लंबी थी। तो कोशिश कीजिएगा कि सारी वीडियोस देखें, क्योंकि मैं इतनी दूर सिर्फ आप लोगों को ये वीडियोस दिखाने के लिए बनाने के लिए आया हूँ। और ये एक आबिद भाई सिर्फ इसका बताओगे नस्ल क्या है? ये नस्ल क्या है? नस्ल बीतल है। चलें जी एंड करते हैं इसको। तो ये थी जी इनकी आबिद भाई की और मक्खी चीना बकरियां जो हैं और उनकी, तो सुई हुई उनके साथ बच्चे। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा होगा, जो लोग ईद के ऊपर कुछ भी इनसे लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और अगर ईद के बाद लेना चाहें तो वो बकरियां वगैरह इन भाई से बाय कर सकते हैं। तो रेट वगैरह करने के लिए वो तो आपको पता है अपनी अकल लगानी पड़ेगी, मेरा बीच में कोई हिस्सा नहीं है कुछ नहीं है, तो वो आप लोगों का मसला है। देखें नेक्स्ट वीडियो।